मेरा नाम वर्षा, आपसे ऑनलाइन बात करी थी स्कूटी के लिए। पर मैंने तो अभी भी स्कूटी बेच दी। ऐसा कैसे बेच दी भैया? मैंने तो आपसे बात करी थी ना, फिर आपने कैसे बेच दी? अरे आप 20,000 बोल रही थी, अब मुझे 20,000 नहीं बेचनी थी। लेकिन भैया ऐसे कैसे, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं आपसे मिलकर बात करूंगी, फिर आपने कैसे बेच दी? अरे अब जब मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे सामने वाला दे रहा है, मुझे क्यों मना करूंगा? लेकिन भैया मुझे स्कूटी की सख्त जरूरत है, चाहिए तो आप पैसे और ऊपर से ले लो, मैं आज पैसे भी लेकर आई हूँ, पर प्लीज ये स्कूटी मुझे दे दो। कमाल कर रही हो आप, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने स्कूटी 30,000 में बेच दी, तो मैं आपको 20,000 में क्यों दूंगा? आपको ये स्कूटी क्यों चाहिए? ऑनलाइन देखो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। भैया मैं बहुत टाइम से ऑनलाइन स्कूटी ढूंढ रही थी, पर मेरे बजट में कोई नहीं मिली, बस एक यही स्कूटी थी। सोचा था आपसे मिलकर कम ज्यादा मैं बात कर लूंगी, पर आपने तो ये भी बेच दी। हाँ अगर मैं बेचा नहीं होता तो कुछ जरूर सोचता इसके बारे में, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं ऑनलाइन मिल जाएगी तो मैं ऑनलाइन ढूंढ लूंगी, कोई बात नहीं भैया। अच्छा रुको, सुनो, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो तुम? थोड़ा इंतजार करो, अब ऑनलाइन और सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और मेरे ख्याल से सस्ते में मिल जाएंगे तुमको। दरअसल बात यह है भैया, मैं डिलीवरी करती हूँ और साइकिल से सब जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे डिलीवरी भी टाइम से नहीं हो पाती। तो मैं सोच रही थी कि स्कूटी खरीद लूँ, जिससे डिलीवरी भी टाइम से हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। पर आपने तो स्कूटी बेच दी। पर ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मिल जाएगी तो मैं ऑनलाइन ढूंढ लूँगी। अच्छा एक काम करो, ये स्कूटी तुम ही ले लो। अरे नहीं नहीं भैया, आपने मेरे लिए इतना कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सामने वाले से बात कर लूंगा, अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। पर भैया मेरे पास तो सिर्फ अभी 15,000 ही है, बाकी के 3-4 दिन में मैं आपको पैसे दे दूंगी, पर पक्का टाइम से आपको पैसे दे दूंगी। बाकी के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्कूटी 15,000 में ही ले लो। अरे नहीं नहीं भैया, आपने मेरे लिए इतना ही कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मैंने कहा ना स्कूटी 15,000 में ले लो, और ये पैसे भी रख लो, तुम 3-4 दिन बाद आना, तब तक मैं स्कूटी के पेपर्स रेडी करवा लेता हूँ। ठीक है भैया, आप पेपर रेडी करवा देना, मुझे एक जरूरी पार्सल देने जाना है, तो मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ अरे मैं नीचे ही खड़ा हूँ, कहाँ हो तुम? राज। अरे आ गई तुम, ये रहे गाड़ी के पेपर्स और ये चाबी। ये रहे आपके पैसे, पूरे 20,000 ये लीजिए। सजा? अरे मैंने तो 15,000 देने को कहे थे ना, और ये बाकी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, आपने मेरे वजह से पहले ही गाड़ी इतने सस्ते में दी है, और वैसे भी किसी की मदद का गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं, ये आपके पैसे आप ही रखिए। ठीक है, ये लो तुम्हारी गाड़ी पेपर्स और ये तुम्हारी चाबी। थैंक यू सो मच भैया। हेल्प करो। हाँ